अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तो तुम्हें लगता है कि अब ये फाइल वर्मा जी का ध्यान खींच पाएगी? जी पापा जी, और हमने आपका प्रोजेक्ट समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी रेडी कर दिया लैपटॉप पे, चाहे तो आपको दिखाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे ही देख रहे थे कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। हम भी जरा तैयार होके आते हैं, 11 बजे की ही मीटिंग है। एक बात मन की कढ़ाई में फुदक फुदक के उबाल मार रहा है, कहो तो उड़ेल दूं? आपका पेट में है ना, कोनो बस पछता तो है नहीं, तो उड़ेल दीजिए। अरे यहाँ नहीं उड़लेंगे तो कहीं और जाके उड़ेलेंगे। महीना चाहे कुछ हो जाए, एक बात तो है, इस सालू दिमाग से तेज है। देखना तुम, जीजा का काम हो जाएगा। हमें तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं तुम्हारा जो दाव है वो उल्टा ना पड़ जाए। अरे भैया, निर्मला पांडे दो धारी तलवार है, बात बने ना बने दोनों हालत में गिरेगी तो सालू की ही गर्दन पे। वाह, जय भोलेनाथ। अरे अरे शीशी दीजिए, छोड़िए ये सब, कर लेंगे। वैसे भी मां जी ने आपको देखा ना तो बोलेंगे हमारे बेटे से बहू किचन का काम करवा रही है। सालू जी, आप घर के काम के साथ साथ ऑफिस का काम भी संभालती हैं, अब तो आपने पापा के काम में मदद करना शुरू कर दिया। और ये सब आप क्यों करती? ताकि घर पे सब खुश रह सके, है ना? लेकिन हम आपको फिर से समझा देना चाहते हैं कि पापा के काम में हाथ डालने का मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। और आप अभी पापा जी को छोड़िए और ऑफिस जाने की तैयारी कीजिए। हम भी पापा जी के साथ मीटिंग खत्म करके सीधा ऑफिस आएंगे और बाकी का काम वहीं पूरा करेंगे। अच्छा, ऑफिस का काम तो तब करोगी ना जब घर का काम पूरा होगा। जब घर का काम बचा रह जाएगा तो ऑफिस कैसे जाओगी? मां जी, हम इन्हें यही बोल रहे थे। अभिषेक, तू आजकल बाहर कम और रसोई में ज्यादा दिखाई देता है। अरे हम तो कहते हैं कि तू अपना ऑफिस है ना, यही रसोई के अंदर खोल ले। मां, अरे बीवी कह रही है ना कि ऑफिस के लिए तैयार हो जा। अरे माँ का बात नहीं मानता, कोई बात नहीं, अरे बहू का तो मान लो, जाओ। शालू जी, वो अब हम ऑफिस जा रहे हैं ना, तो कपड़े दे दो। नया शौकीन और पॉकेट में गाजर। क्या बात है पांडे जी, आपने तो प्रोजेक्ट एकदम बदल के रख दिया, साथ ही प्रेजेंटेशन और कोटेशन दोनों एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसे अपनी कंपनी के सामने प्रेजेंट करूंगा और यदि पॉजिटिव रिस्पांस आया तो आपको कांटेक्ट करूंगा। धन्यवाद वर्मा जी। अरे धन्यवाद हमें नहीं पांडे जी, शालू जी को दीजिए, बड़ी टैलेंटेड बच्ची है। हमारी बहू है, पूरी कंपनी संभालती है। ठीक है पांडे जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी अगली मुलाकात इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ होगी। बिल्कुल, आइए हम बाहर छोड़ देते हैं आपस। भाई मान गए निर्मला जी, आपकी बहू तो जादू की छड़ी निकली। वर्मा जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान गए हैं और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। आपने ही तो जोर दे के फाइल लेने को कहा था बहू से, वरना हम तो नाउमीद हो गए थे। अब तो पांडे जी भी इस सालू का तरफदारी करना शुरू कर दिए हैं। सोचे थे कि इसकी गलती निकाल के इसे बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये और अंदर आती जा रही है। निर्मला जी, आप हमारी बात सुन भी रही हैं या अपने में ही मगन है? अरे इसीलिए हम आपको कहते हैं
की हर काम में हमरा राय लिया कीजिए। अरे हमको बहू की काबिलियत के बारे में पता है, इसीलिए तो बोले थे। जीजा, इस बात के लिए आपको पार्टी देना होगा। लो, गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले से ही याद हमके। अरे थोड़ा सब्र करो भाई, एग्रीमेंट तो हो जाने दो। हमें पूरा यकीन है कि बहू अगर हमारे साथ है तो हमारा सारा काम आसानी से हो जाएगा। ए बहू, कल हम लोग को जरा जल्दी निकलना है, इसलिए रसोई घर में जाने की जरूरत नहीं है। भाई बहन ये कच्चा पक्का पका लेंगे, चलिए। अरे जीजा, शालू जी। जी मां जी, हम अभी आते। अरे बहिना, ये हम क्या देख रहे हैं? जीजा तो पहले दिन से बहु चालीसा पढ़ रहे हैं, अब आगे का होगा? हम सोच रहे हैं भैया कि कल अगर ये एग्रीमेंट नहीं बना तो तुम्हारे जो जीजा हैं अभी बहु चालीसा पढ़ रहे हैं, कल तांडव करने पे उतारू हो जाएंगे और उनके गुस्से का शिकार बनेगी सालू। विशेष जी, सॉरी विशेष जी, वो हमारा पैर फिसल गया था। पंडित जी हमें अलग रखना चाहते हैं और किस्मत हमें हर बार साथ ले आती है। आप किस्मत पर बिलीव करते हैं? हाँ, और यही किस्मत हमें 7 जन्मों तक साथ रखेगी। अच्छा, आपने हमें बुलाया था? हाँ बुलाया तो था, लेकिन आप यूं आ जाएंगी वो नहीं पता था। अच्छा बताइए, क्यों बुलाया था? बुलाया नहीं था, आने के लिए रिक्वेस्ट की थी। अच्छा जी, क्यों? हम आपसे जलने लगे क्योंकि आप धीरे 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 इस घर में सबका दिल जीतने लगे। सिर्फ हमारा ही नाम नहीं है उस इसमें। आगे से कभी ऐसा मत कहिएगा। क्योंकि आप हमारी धड़कन हैं। वैसे क्यों जलन होने लगी आपको हमसे? हम आपसे इसलिए जल रहे हैं क्योंकि आज तक हम अपने माँ पापा को इस तरह एक साथ खुश नहीं रख पाए, लेकिन आपने आते ही कमाल कर दिया। और ये कमाल हमने हमारी माँ से सीखा है। माँ कहती है कि रिश्तों की जड़ों को प्यार का पानी देने से ना अपनेपन का फूल खिलता है। तो सही बात है, लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है। आप हमारी बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन आप पापा के बिजनेस में उनकी हेल्प कर रही हैं। ये कंपनी के रूल्स के खिलाफ है मैडम। कैसे हुआ रूल्स के खिलाफ? हम ऑफिस में आपके बिजनेस पार्टनर बन के आपके साथ काम करते हैं, तो इस घर की बहू होने के नाते हम पापा जी की मदद कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज भी है और वो हमारे पापा जी भी लगते हैं। शालू जी, आपसे बातों में जीतने का सपना हमारा आज तक पूरा नहीं हुआ। कमाल है। I love you, शालू जी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।